तो भाई लोकल यानी कि 22 फरवरी को अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म शैतान के ट्रेलर को रिलीज किया गया था और इस ट्रेलर का मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि भाई कल टाइम नहीं मिल पाया था। बाकी भाई ट्रेलर तो काफी गजब का लगा देखने में। ये फिल्म एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म होने वाली है और साथ ही ये फिल्म एक रीमेक फिल्म है। ये फिल्म गुजराती फिल्म वश का रीमेक है। तो भाई मैंने तो वश मूवी को देखा नहीं है तो मेरे लिए तो ये फिल्म एक फ्रेश कॉन्टेंट ही है और शायद आप में से बहुत से लोगों ने भी वश मूवी को नहीं देखा होगा। तो भाई एक तरह से देखा जाए तो ये एक फ्रेश कॉन्टेंट ही है सबके लिए। शैतान फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात करें तो भाई हमें ट्रेलर में एक सुपर नेचुरल थ्रिलर स्टोरी देखने को मिल रही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक फैमिली है, उनके घर पर एक दिन कोई एक अननोन एंड मिस्टीरियस पर्सन आता है और वो इंसान उस घर के लड़की पर काला जादू कर देता है या कहे कि उस लड़की पर वशीकरण कर देता है। फिर उसके बाद जो वो इंसान कहेगा उस लड़की को करने के लिए वो लड़की उस इंसान के कहने पर सब कुछ करती है। इवन हमें इस ट्रेलर में वो सब कुछ दिखाया भी गया है। एक सीन है जहाँ पर आर माधवन उस लड़की को कहते हैं कि तुम चाय पत्ती खा लो तो वो लड़की पूरा चाय पत्ती का डब्बा उठाकर खा जाती है। यहाँ तक कि उस लड़की को कहा जाता है कि तुम अपने पापा को झापड़ मारो तो वो लड़की अपने पिता को झापड़ भी मार देती है। ट्रेलर में हमें जो ये सभी सीन्स दिखाए गए हैं भाई सही बताओ तो ये सभी सीन्स काफी डिस्टर्बिंग है। इसके साथ ही हमें और भी कई सारे ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसे देखने के बाद तो भाई आपके होंसे उड़ जाएंगे। इस फिल्म में हमें शैतान यानी कि इविल के कैरेक्टर में आर माधवन दिखने वाले है। वही गुड कैरेक्टर में हमें अजय देवगन और ज्योतिका देखने को मिल रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो इस फिल्म में हमें अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई देखने को मिलेगा। बात करें एक्टिंग के बारे में तो भाई एक्टिंग के मामले में तो सभी स्टार कास्ट ने फाड़ के रख दिया है। खास करके जानकी बोधीवाला की एक्टिंग मुझे काफी अच्छी लग रही है बाकी स्टार कास्ट के मुकाबले में। वही इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बात करें तो भाई इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी हॉन्टेड और स्कैरी वाइब दे रहा था जो कि काफी अच्छा था। भाई सही बताओ तो शैतान का ये ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया। बाकी बहुत से लोगों को लगेगा कि ये फिल्म एक रीमेक है तो इस फिल्म को नहीं देखेंगे, लेकिन सही बताओ तो भाई जिस तरह से अजय देवगन फिल्मों को रीमेक करते हैं उसे देखने पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये एक रीमेक फिल्म है। आप उनके सभी रीमेक फिल्मों को उठाकर देख ही सकते हो। ये सभी फिल्में रीमेक थी लेकिन रीमेक होने के बावजूद भी ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाई किया है। अजय देवगन के रीमेक फिल्मों को देखने के बाद भी हमें उन सभी फिल्मों में ओरिजिनल वाले फिल्मों का ही वाइब आता है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि भाई रीमेक करना है तो अजय देवगन के जैसा करो वरना करो ही मत। शैतान फिल्म का बजट करीब 60 से 100 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है तो मुझे तो लग रहा है कि ये फिल्म अपना बजट आराम से कवर कर लेगा क्योंकि भाई फिल्म का ट्रेलर ही काफी दमदार है तो फिल्म तो खतरनाक होगा ही। ये फिल्म 8 मार्च को आने वाली है सिनेमा घरों में। तो भाई मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए क्योंकि मुझे इसका ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया। जानवी अपने पिताजी को जोर से छापड़ मार दो। तो भाई लोग आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को शैतान का ये ट्रेलर कैसा लगा और आप लोग कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म के लिए। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।